नाजरीन वेलकम बैक आ, बात हो रही थी आज जो है ब्रेक से पहले जाने पे कि एक तो हमने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के हवाले से बात की कि अगर आप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेना चाहते हैं यूके में और बाहर से जो है कोई वर्कर लेकर आना चाहते हैं वर्क परमिट में तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ब्रीफली मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि उसके लिए एक तो लीज चाहिए आपको जहाँ से आप रेप अपनी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या कोई अगर कमर्शियल लीज कमर्शियल टेनेंसी है तो वो भी चल जाएगी या फिर आपकी अपनी जगह है तो वो भी जो है वो एविडेंस साथ लगाना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आपकी बिजनेस की इंप्लॉयज़ लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो होती है वो भी चाहिए आपको पी आई पी ए वाई जो है वो भी आपको चाहिए टैक्स डॉक्यूमेंट जो है टैक्स रिटर्न जो है वो भी आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए अगर आप लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर हाँ आप मजीद इंफॉमेशन लेना चाहते हैं तो इकरा स्टूडियो से हमारा नंबर ले लें तो हम कोशिश करेंगे कि एक अपॉइंटमेंट आपके साथ रख लें और आप आएँ और फिर हम आपको जो है डिटेल में बताएँगे क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है जैसे मैंने कहा है कि अब थोड़ी उन्होंने सख्त कर दी है लाइसेंस लेने के लिए वो ओबियसली बात तो हमने पहले बताई है कि जो अब्यूज़ हुआ था ये सिस्टम लास्ट ईयर तो उसकी वजह से थोड़ी सी सख्तियाँ आ गई है और आप जब खोज लेटर जारी करते हैं उसमें भी वो उस काफ़ी एक क्वेश्चन देते हैं उसमें काफी सवाल किए जाते हैं एम्प्लॉयर को कि आप बाहर से वर्कर क्यों लेकर आना चाहते हैं वो आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कोज लेटर इशू करने से वो जो है वो मना भी कर सकते हैं और अगर आपका लाइसेंस एक जो आपने इशू हो भी गया अगर कोज वर्कर तो वहां पे वो इंटरव्यू कर रहे हैं वो जो वर्कर है उसको इंटरव्यू करेंगे पर जो ले रहा है तो अगर वो इंटरव्यू में सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसने ये जॉब कैसे अप्लाई की इस जॉब के लिए आ, आ, क्या क्वालिफ़िकेशन थी या क्या रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जाकर कंपनी में क्या करेगा उसकी रोल क्या हैं रिस्पॉन्सबिलिटीज़ क्या हैं तो अगर वो चीज़ें सही तरीके से आंसर नहीं करेगा तो आपका आ, वो आ, जो वर्क परमिट है जो अप्लाई कर रहा है उसका रिफ्यूज़ भी हो सकता है और अगर आपका वर्क परमिट रिफ्यूज़ होगा तो आप याद रहे कि आपको मज़ीद वर्क परमिट फिर कोज जारी नहीं होंगे तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सारे रूल रेगुलेशन को सही तरीके से जो है वो कम्प्लाई करें क्योंकि अगर आपको मज़ीद बाहर से लेकर आना है तो बहुत जरूरी है उसके अलावा हमने बात की सोशल सर्विस और जो चाइल्ड कस्टडी होती है कि क्या सोशल सर्विस आपसे बच्चे ले सकते हैं किस सूरत है में वो बच्चे ले सकते हैं एक तो मैंने बताया कि या कोर्ट ऑर्डर हो तो उसके कोर्ट ऑर्डर लेकर आ सकते हैं अगर एमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसके अलावा जो है वो एक सेक्शन 20 का जो कंसेंट होती है जो आप नहीं देनी होती है इजाज़त कि आप बच्चे ले सकते हैं तो वो किसी वक्त भी जो आप विड्रॉ कर सकते हैं तो दूसरा है सेवेंटी टू आवर्स के अंदर अंदर फिर उनको अदालत में जाना पड़ता है सोशल सर्विस और उसके अलावा जो पुलिस प्रोटेक्शन जो पावर्स होती हैं उसके अगर अगर आप पुलिस साथ लेकर आ जाते हैं तो फिर वो सेवेंटी टू आवर्स के लिए बच्चे आपसे लेकर जा सकते हैं फिर उस पीरियड में सोशल सर्विस अपना जो है वो एप्लीकेशन कोड में डाल देते हैं बच्चों को अगर उन्हें मज़ीद रखना है तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा एरिया है इसके बारे में बात हो रही थी ब्रेक पे जाने पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लाइटली लेते हैं क्योंकि वो इमोशनली समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं हम उनकी बेहतर आफ्टर कर सकते हैं तो ये सोशल सर्विसेज वाले कौन होते हैं मेरा हमारे बच्चे लेकर जाएं तो ये मैंने बताया कि सोशल जो स्टेट होती हैं वेस्टर्न स्टेट उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड द मेन कंसिड्रेशन वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड की होती है अगर वो वो समझते हैं कि चाइल्ड किसी किस्म की अब्यूज़ हो रहा है फिजिकली या इमोशनल या सेक्शुअल तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप जो स्टेट होती है उसको सू भी कर सकते हैं तो इसलिए वो जो है इस चीज़ के बड़ी गौर से देखते हैं और एक डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया जो इस हवाले से जो है वो इन सेक्शन फोर्टी सेवन की इंक्वायरी शुरू कर देंगे जब उनके पास किसी किस्म का कोई भी रिपोर्ट जाती है बच्चे के वाले से कि बच्चा निगलेक्ट हो रहा है तो वो फिर एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उनको सेटिसफाई करने का क्योंकि उनका जो तरीक़ाकार है वारदात करने का या काम करने का वो आम आदमी को समझ नहीं आता है और वो आम आदमी समझता है कि ये लोग आ रहे हैं और शायद फेस पे तो यही ऐसे ही लगता है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं रियलिटी के वो हर एक बात को नोट कर रहे हैं आपकी और आपके बच्चे की जो रिलेशनशिप है जब बच्चा आपके करीब आता है किस तरह वो इंटरेक्ट करता है आपके घर का जो सूरत हाल होती है आपकी सफाई का जो साफ खतरा होता है आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका भी वो ये सा, सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं और उस पर वो बड़ा नेगेटिव तरीके से जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं क्योंकि उन्होंने फिर अदालत में जाना होता है जज के पास जाना होता है बच्चों को अगर वो ले रहे हैं तो एक इस इसमें ये भी एलिमेंट जो मैं हमेशा क्योंकि ये काम हम करते हैं तो मैंने देखा है कि एक एलिमेंट ये भी है कि जो सोशल सर्विसेज होते हैं उनको फंडिंग जो, जो है उस बेसिस पे दी जाती है कि कितने केस वो वालाना जो करते हैं तो ओबियसली इसमें थोड़ा सा जो है ये एलिमेंट जो है जब आ जाता है तो इसमें बच्चे का वेलफेयर तो अपनी जगह है कुछ उनकी अपने वेलफेयर भी बीच में जो है वो आ जाते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट ईयर कितनी सारी ग्रांट ले सकते हैं बेस ऑन द फैक्ट कि उन्होंने कितने केस डील किए तो ये ये एंगल जो है ये थोड़ा सा डेंजरस है लीगली मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि इस इस बेसिस पे उनको फंडस ना मिलनी चाहिए क्योंकि फिर वो एक जो है वो ज़रूर से ज़्यादा हो सकता है कि उनकी जो इन्वॉलमेंट होती है वो वो ज़रूर से ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो ये बड़ा तकलीफ दे मरला हो जाता है फैमिलीज़ के लिए और फैमिलीज़ बड़ी इमोशनल हो जाती हैं जो इस लोग इस क्राइसिस से गुज़रे हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा ही जो है ये आपकी जो ज़िंदगी का पूरे का पूरा सुकून जो है आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम है उसको हिला कर रख देती है और आपको साल या दो साल के लिए एक अजीत से गुजरना पड़ता है और ये तकलीफ दे मरखला होता है क्योंकि ओबियसली सबसे क्लोज जो आपकी फीलिंग होती है अटैचमेंट होती है आपके बच्चों के साथ होती है और जब आपके बच्चों को ये लेकर जाते हैं और उसमें कानून भी बड़ा सख्त है और आपके जो है ये आपको जो है समझ भी ना हो इस एरिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस बारे में इलम होना चाहिए पहले से ही कि ये एक जो कानून है ये बड़ा सख्त है और इसके लिए जब भी कोई ऐसी सूरत हाल बनती है आपको कॉपरेट भी करना चाहिए और अपने आपके और अपने घर का स्टैंडर्ड या आपके जो रवैया है उसको भी बदलें ये बहुत ज़रूरी है हमने बहुत सारे ऐसे भी केस किए हैं जहाँ अभी बच्चे की उम्र अठारह साल बच्ची की नहीं हुई है और वो घर में कोई ऐसी बात चल पड़ी है या वो हॉलीडे पे गए पाकिस्तान या अपने मुल्क में और वहाँ पे बच्ची की जो अठारह साल से कम उम्र है उसकी शादी की बात चल पड़ी और बच्ची ने ये बात सुन ली और वो ओबिसली अब काफ़ी यंग है उसकी शादी का अभी टाइम नहीं है तो वो जब वापस आते हैं या यहाँ पर जब वो घर में अगर बात चलती है तो वो बच्ची जाकर स्कूल में बता देती है कि मेरे घर वाले जो है ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है मेरी जो है शादी अरेंज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इशू है अभी ये जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली घर वाले बात जो है वो स्ट्रेट वे अठारह से पहले पहले बच्ची की शादी करना चाहे हो सकता है कि वो बाद की बात कर रहे हो क्योंकि हमारा रिवाज है कल्चर है कि हमारे जो बहन भाई होते हैं रिश्तेदार होते हैं जैसे वो देखते हैं कि बच्ची सोलह साल की होगी तो वो आ, जो है रिश्ते की मांगने शुरू कर देते हैं तो ये सिलसिला चल पड़ता है हमारी सोसाइटी में लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि घर वाले जो वो से नीचे बच्ची को शादी कर रहे हैं लेकिन बच्ची जो है वो बच्चे होते हैं उनको जहन में तो ये बात बात इतनी समझ नहीं होती है अगर वो इस तरह कोई सुनते हैं और जाकर स्कूल में बता देते हैं या डॉक्टर को बता देते हैं या किसी दोस्त को बताते हैं जो आगे सोशल सर्विसेज को बता देगा तो फिर सोशल सर्विसेज जो है वो एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो बच्ची को ले जाएंगे और ये बड़ा एक्चुअली तकलीफ दे मरखला होता है क्योंकि ये एज ऐसी है बच्ची की जिसमें अगर जब वो ले जाते हैं तो फिर बच्ची को टोटल सलूट फ्रीडम मिल जाता है और उसको वो काफ़ी कुछ जो है वो जरूर से ज़्यादा उनको उनको बता देते हैं बच्ची को कि आपके ये राइट्स हैं ये राइट्स आप ये भी कर सकती हैं वो भी कर सकती हैं आपके पेरेंट्स का कोई इसमें लेना देना नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकते तो हमने देखा कि ये एक हम टोटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ जो है वो टीचिंग टू अ चाइल्ड एक्चुअली एट द दहीज टीन एज स्टेज है जिसपे वो ग्रो हो रही है और नॉलेज uh, अभी उसका जो है वो लिमिटेड है सोसाइटी uh, में जो uh, तरीक़ाक रहने का उसकी भी इतनी समझ नहीं है स्पेशली जो बच्चे घर के इन्वामेंट से आएंगे तो उनको जब इस तरह का जो है वो माहौल मिलेगा तो चांसेस हैं कि वो बच्ची मजीद जो है वो आपने जो ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और गलत कदम इकदाम उठा सकती है ये सारी चीज़ें जो है ये आपने ज़रूर सोचना है क्योंकि आपकी बच्ची है अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आपका जो इतने प्यार से बच्चों को आप ब्रिंगिंग कर रहे थे ऑल ऑफ सडन जो बच्चों को तो आपको इस एज में चीन एज में ग्रोइंग पीरियड होता है इसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की ज़रूरत होती है उनको जो है वो बताएँ कि दुनिया किस तरह और किस तरह जीना चाहिए तो वो अगर बच्चे आपसे ले जाते हैं स्टेज में तो वो बच्ची हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी और इनफैक्ट आने वाले वक्त में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है क्योंकि ओबियसली जो इन्वामेंट है जो टीचिंग सोशल सर्विसेज से उन्हें मिलेगी और जो घर की टीचिंग मिलेगी इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है और इसकी वजह से जो है मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चियाँ जो हैं स्टार्ट पे वो आ, ख़ुद ही उन्होंने बता दिया सोशल सर्विसेज को ख़ुद ही फ़ोन कर दिया किसी दोस्त ने कर दिया या स्कूल वालों ने बता दिया बाद में वो बच्चे जो हैं वो स्टक हो जाते हैं और वापस कुछ बच्चे जो वापस भी आना चाहें तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और कुछ बच्चे जब देखते हैं कि हमें तो अचानक एकदम एक फ्रीडम मिल गया क्योंकि वो बच्चे जब तक कोर्ट केस चलता है वो जो है वो चाइल्ड माइंडर होते हैं उनके पास वो बच्चे रहते हैं और वहाँ पर फिर उनको टोटल एंड एप्सल फ्रीडम मिल जाता है जो अपनी मर्ज़ी से वो जीना चाहते हैं जो भी करना चाहें कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होगा तो फिर ये होगा कि वो बच्चे जो हैं वो एक्चुअली हमेशा के लिए आ, फैमिली से दूर चले जाएंगे वो दोबारा फैमिली के इन्वामेंट में नहीं आएंगे और वो अपना बच्चा आप हमेशा के लिए खो देंगे तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जो हमारी ओबियसली प्रॉब्लम ही है कि कुछ लोग जो देहाती एरिया से आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वो स्पेशली जो है जो औरतें हैं हमारी वो एक्चुअली ऐसी बात कर देती हैं और मेक शो कि ऐसी बात आप कभी ना करें अठारह साल से जब नीचा बच्चा हो तो बिल्कुल ही उसकी शादी के कोई भी बात ना की जाए जब से वो अठारह से ऊपर हो जाते हैं फिर भी आप बच्चे के जो कंसेंट हैं उसके साथ जो है आप चलें क्योंकि उसके अलावा भी अगर चलेंगे बेशक आप इन्वॉल्व नहीं हो सकती फिर भी जो है ये इमिग्रेशन जो होम ऑफिस हैं इनके पास भी जो है वो पावर्स हैं कि अगर आप बच्चे को जब स्ती लेकर जाते हैं अपने मुल्क में शादी के लिए तो वो एक नंबर इन बच्चों को दिया जाता है कि उस नंबर पर वो कॉल करके अगर जब वो पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में है वहाँ पर जो ब्रिटिश हाई कमीशन होती है उनका नंबर उनके पास होता है और वो बच्चे वहाँ पर कॉल करते हैं तो जो लोकल पुलिस वहाँ की होगी उसको साथ लेकर वो जो इमिग्रेशन वाले आपके घर आ जाते हैं और ये बहुत बड़ी जो है हमने देखा है कई केसेज में जब हम डील करते हैं इसमें तो ये बहुत बड़ी बदनामी का बायस बन सकती है क्योंकि हमारा जो कल्चर है और स्पेशली अगर आप आ, इंडियन सब कॉन्टीनेंट में हैं अपने गाँव में अपने घर में हैं और वहाँ जो है वो पुलिस और इमिग्रेशन वाले आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा बदनामी बतन, का जो है एक जो है वो बन जाएगी आपके लिए तो इसलिए ये सब कुछ क्योंकि सोच कर आपको करना चाहिए बच्चों की तबीयत देख लें बच्चों के पहले कंसल्ट ले लें देख लें अगर आपको कोई इस तरह का इशू बन रहा है तो आपको वेरी केयरफुल होना पड़ेगा अगर कोई बच्चों को गलत फहमी हो चुकी है इस बारे में तो फिर बच्चों के साथ बैठ कर उनको अतमाद में लिया जाए उनको ट्रस्ट में लिया जाए कि ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है आप कुछ ऐसा करने वाले नहीं हैं जो भी वो चाहेंगे बच्चे आप ऐसा ही करेंगे जो तो बात हुई थी वो बात अगर फ़ोन पे कोई हो रही है पाकिस्तान से कोई कॉल को आ रहा है तो ये एक हमारे कल्चर में होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी मर्जी के जो है गैस जाएंगे बात चलती है हो रही हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो आपके जो मर्जी के ख़िलाफ़ हो तो ये सारी बातें बच्चों को बताएँ एक्सप्लें करें उन्हें ट्रस्ट में लें और कुछ इस ऐसी सिचुएशन में गुस्सा जो है ये एक्चुअली बिल्कुल ना करें क्योंकि गुस्सा करेंगे तो फिर आप आपके लिए आलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं और उससे बेहतरी नहीं बल्कि आप अपना ही बच्चा अपने हाथ से हमेशा के लिए खो देंगे तो इस इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें नाजरीन हमारा जो प्रोग्राम है ये अब ख़त्म होने को आ रहा है तो इन शह हम जो है वो नेक्स्ट वीक आपको मिलेंगे अपना अपने रिश्तेदारों का दोस्तों का ख़ास ख्याल रखें खुश रहें खुशियाँ बाँटें अल्ला निगबान